प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते, मेरा नाम है महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। इस समय गर्मी बहुत ज्यादा चरम पर है और मुंबई में 38.9 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा गर्म तापमान है। और अगर बात करी जाए तो जो मार्च के शुरुआती दौर में इतना अधिक तापमान देखने को कभी नहीं मिला मुंबई में पिछले 10 सालों में। हालांकि 2010 में जो तापमान था वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, और उसके बाद से जो वैसे तो 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर जाता है मुंबई वगैरह का तापमान, लेकिन ये जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है। सीवियर हीटवेव चल रही है, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया कि जो एंटीसाइक्लोन जब बन जाता है पश्चिमी राजस्थान या सेंट्रल पाकिस्तान में, तो घड़ी की दिशा में जो हवाएं चलती हैं उससे तापमान काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जो गर्म हवाएं हैं, गर्म और शुष्क हवाएं हैं, आसमान साफ है, सूरज काफ़ी ज़्यादा प्रखर है, तो उससे क्या होता है कि सन का इंसोलेशन बढ़ता जाता है। और जब रात होती है जो लॉन्ग वेव के रूप में जो धरती एनर्जी को रिलीज करती है वो इतनी ज़्यादा रिलीज नहीं हो पाती, तो यानी कि रात के तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और दिन का तापमान भी बढ़ने लगता है, क्योंकि ये जो हवाएं हैं, शुष्क हवाएं हैं, ये पूरे इलाका ये गर्म हो जाता है, थर्ड एजेंट गर्म हो जाता है, तो वहाँ से ये हवाएं आ रही है। अगले दो दिनों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी, यानी कि कल तक तापमान सीवियर हीट वेव में रहेगा, उसके बाद हीट वेव आएगी और थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। 18-19 तारीख से हमें उम्मीद है कि जो तापमान है 36-37 डिग्री तक आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलने वाला है। और एक और एपिसोड होता है कि जो एक लैंड ब्रिज होती है और सी ब्रिज होती है, यानी कि जमीन से हवा चलती है उसको लैंड ब्रिज कहते हैं और जो समुद्र से हवा आती है उसको सी ब्रिज कहते हैं। तो वो क्यों होती है और क्या उससे उसका क्या असर देखने को मिलता है, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये है सी ब्रिज, यानी कि ये जो समुद्र से आती है उसका कारण ये होता है कि क्यों आती है, कि जब जब दिन में धूप निकलती है तो दोनों यानी समुद्र और जमीन दोनों गर्म होने लगते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पानी धीरे धीरे गर्म होता है तो जमीन जो है वो तेजी से गर्म हो जाती है और यहाँ पर एक तरह से लो प्रेशर बन जाता है, और समुद्र को गर्म होने में समय लगता है तो ये हाई प्रेशर होता है। तो जब लो प्रेशर होता है और हवाएं गर्म हो जाती हैं तो जमीन पर से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, यानी ऊपर उठती हैं, और उसको रिप्लेस करने के लिए जो समुद्री हवाएं हैं वो जमीन की तरफ यानी कि तट की तरफ आना शुरू हो जाती है, जिसको सी ब्रिज कहते हैं। तो ये मुंबई में 11:30 बजे के बाद ही सी ब्रिज शुरू हो जाती है और उसके बाद ये जो तापमान है थोड़े से गिरने लग जाते हैं, तो 11-12 बजे तक जो तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, यानी कि जब गर्मी के कारण हवाएं ऊपर उठती हैं और समुद्र की हवाएं जब आने लगती हैं तो दिन के समय सी ब्रिज चल जाती है, यानी दोपहर से और शाम तक रात तक चलती रहती है। और जो लैंड ब्रिज होती है वो जब रात होती है तो क्या होता है कि दोनों यानी कि जमीन और समुद्र, क्योंकि सूरज जब छुप जाता है तो दोनों के तापमान गिरने लगते हैं। फिर आपको पता है कि जैसे जमीन जितनी जल्दी से गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, तो जमीन जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। ये मैंने क्योंकि एक ही जगह दोनों नहीं बना सकता था, इसीलिए ये इसको मैंने पूर्वी तट में बनाया उड़ीसा के आसपास। तो क्या होता है कि समुद्र को ठंडा होने में समय लगता है, तो यहाँ पर गर्मी रहती है और ये हवाएं ऊपर की तरफ उठने लग जाती हैं। जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो इसको फिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर गर्मी होती है और यहाँ पर जो जमीन ठंडी हो जाती है, तो ठंडी जगह पर हाई प्रेशर होता है, तो यहाँ से जब हवाएं चलने लगती हैं तो इसको लैंड ब्रिज कहते हैं। तो रात के समय जमीन से समुद्र की तरफ आती है उसको लैंड ब्रिज कहते हैं, और दिन के समय जो समुद्र से जो लैंड की तरफ आती है उसको सी ब्रिज कहते हैं। तो इसके कारण जब भी सी ब्रिज चलना शुरू हो जाती है तो क्या होता है, तापमान कम होने लग जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वेदर कैसा रहने वाला है। तो जब आपको पता है कि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो 18 तारीख के आसपास आएगा, तो 18-19-20 तारीख को पहाड़ों पर कुछ इलाकों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो सकता है, कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देगा, और उत्तर भारत में अभी फिलहाल गर्मी बनी रहेगी और धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, और होली तक हमें उम्मीद है कि दिल्ली में भी 36-37 डिग्री का तापमान आ जाएगा। मध्य भारत में आपको पता है कि हीट वेव चल रही है, सीवियर हीट वेव दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में है, गुजरात में है, कोकण में है, इन सारे इलाकों में। अब दो दिनों के बाद थोड़ा सा तापमान कम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा राहत नहीं है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, इन इलाकों में भी तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, पूर्वी भारत में भी सामान्य से ऊपर है, लेकिन अभी हीट वेव यहां नहीं आएगी, क्योंकि 40 डिग्री का तापमान जरूरी है हीट वेव आने के लिए। तो अभी इस इलाके में थोड़ी सी राहत है, लेकिन दिन गर्म है और रात का समय जो सुबह और रात का मौसम है वो थोड़ा सा
कंफर्टेबल बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भी धीरे धीरे जो तापमान है बढ़ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी शुष्क हवाएं चल रही हैं, किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही अगले कई दिनों के दौरान, लेकिन जो रात है वो पहाड़ी इलाकों में अभी ठंडी बनी हुई है, दिन थोड़ा सा गर्म है। पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ज्यादा अभी भीषण गर्मी नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर भी गर्मी शुरू हो जाएगी। और अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में भी किसी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं है, हालांकि ये समुद्र से हवाएं आ रही हैं, नमी को बढ़ा रही हैं। तो उमस भरा मौसम और गर्म मौसम ये तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ऊपर रहेगा, यानी काफी ज्यादा उमस और गर्मी बनी रहेगी, तापमान सामान्य से ऊपर बने रहेंगे। तेलंगाना और उसके आसपास के इलाकों में जो है जो तापमान है सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक ऊपर बने हुए, यानी गर्मी अपने प्रखर पर है। और उसी तरह से कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, इन सारे इलाकों में भी गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन केरल में आज से कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां होंगी। हालांकि भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी बीच बीच में ये बारिश कुछ राहत देती रहेगी। और अगले कुछ दिनों के दौरान अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2-3 दिनों के दौरान हल्की बारिश और कुछ इलाकों में मॉडरेट स्पेल हो सकता है। दक्षिणी द्वीप समूह में ज्यादा बारिश की संभावना है और जो उत्तरी द्वीप समूह है उसमें केवल बादल छाएंगे या छुटपुट बूंदाबांदी होगी, और जो लक्षद्वीप और उसका आसपास का इलाका है वो लगभग शुष्क ही बना रहेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।